गया नगर निगम चुनाव के लिए बुधवार को डीआरडीए कार्यालय में नामांकन के लिए वार्ड 6 से लक्ष्मी देवी ने वार्ड पार्षद पद पर नामांकन किया। इस मौके पर उनके समर्थकों ने फूलों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वार्ड में विकास के मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में आई। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उनके वार्ड में पानी की बहुत गंभीर समस्या है, वो उसे दूर करेंगी और लोगों को वृद्धा पेंशन भी दिलवाएंगी। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक बार लोग उन्हें अपना वोट देकर देखें, वो लोगों की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरेंगी। पानी का समस्या दूर करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? लक्ष्मी देवी। आप मैदान में, चुनावी मैदान में उतरे हैं, किस मुद्दे को लेकर उतरे हैं? वार्ड में क्या क्या करेंगे आप? पानी का समस्या दूर करेंगे। हमारी पत्नी वार्ड नंबर 6 का उम्मीदवार है माननीय लक्ष्मीनी देवी जी। साथ ही साथ मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से और वार्ड नंबर 6 के जितने भी माता दाते बहने माँ बहन नौजवान साथी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस बार मूलभूत कीमत जो आपका भूत का अधिकार है, एक एक वोट मानिए, हमारे लक्ष्मीनी देवी को अपना कीमती वोट देने का काम करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो आपका मूल समस्या पानी का है वो समस्या को दूर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन हो, जो सरकार का योजना आता है, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आवास योजना हो, वो हम लोग वार्ड नंबर 6 में हर व्यक्ति को दिलाने का काम करेंगे। जो हमारे गरीब भाई बंधु है उनको अधिकार देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।